चोरियों के बारे में तो आप सुनते ही रहते हो कि मोबाइल चोरी हो गया, साइकिल चोरी हो गई, बाइक या फिर कार चोरी हो गई। पर क्या आपने कभी सुना है कि एयरपोर्ट से कोई प्लेन ही चोरी हो गया हो। रॉबर्ट ई कॉर्निश एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने मरे हुए दो कुत्तों को जिंदा कर दिया था। तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। और एक बात और, अगर मैं आपसे कहूँ कि ताजमहल के चारों तरफ ये जो चार मीनारे हैं ये पूरी तरह सीधी नहीं हैं, तो आप उल्टा मुझे ही बोलोगे कि तुम कुछ ज्यादा स्मार्ट हो गया जो ताजमहल में भी कमियां निकाल रहे हो। वीडियो अगर आप एंड तक देखोगे तो डेफिनेटली आप पूरी तरह हिल जाओगे। मजाक कर रहा हूँ यार। हेलो गाइस, मेरा नाम इंद्रेंद्र कुमार एंड यू आर वाचिंग जड़वन इन्फॉर्मेशन फैक्ट नंबर 10। दुनिया के सबसे लंबे नाखूनों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ली रेडमंड को प्राप्त है। रेडमंड ने 1979 से अपने नाखूनों को बढ़ाना शुरू किया था। 10 फरवरी 2009 को एक कार एक्सीडेंट में रेडमंड बुरी तरह से जख्मी हो गई और इसके सारे नाखून टूट गए। फैक्ट नंबर 9, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कोई चीज छिपानी है तो आप क्या क्या छिपा सकते हो। हद से हद मोबाइल, बाइक, कार या फिर बस जिसका साइज थोड़ा और ज्यादा बड़ा है। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको पूरा का पूरा शहर छिपाना है तो आपका क्या रिएक्शन होगा। क्यों, सोच में पड़ गए ना। पर दुनिया में एक देश ऐसा है जिसने कम से कम 15 शहरों को दुनिया से छिपा दिया है, जिसका नाम है रशिया। फैक्ट नंबर 8, अगर आप लोग ये सोचते हैं कि नोट कागज के बनते हैं तो ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो। नोट सिर्फ और सिर्फ कपास के बनते हैं क्योंकि कपास कागज की तुलना में अधिक मजबूत होती है। फैक्ट नंबर 7, बिच्छू के बारे में तो आप सब जानते ही हो, ये वाले बिच्छू, वो वाले बिच्छू। पर क्या आप लोग जानते हो कि दुनिया में कुल मिलाकर बिच्छू की कितनी प्रजातियां हैं। दुनिया में बिच्छू की लगभग 2000 प्रजातियां हैं। न्यूजीलैंड और अंटार्कटिक को छोड़कर विश्व के सभी भागों में पाई जाती हैं। फैक्ट नंबर 6, चोरी होने की घटनाएं तो आप लोग सुनते ही रहते हो, किसी की साइकिल चोरी हो गई, बाइक, कार वगैरह वगैरह। पर क्या आपने कभी सुना है कि एयरपोर्ट से कोई प्लेन ही चोरी हो गया हो। 25 मई 2003 को बोइंग 727 एरोप्लेन अंगोला में स्थित एरोपोर्टो इंटरनेशनल फोर्डी फिब्रियो एयरपोर्ट से चोरी कर लिया गया। इस प्लेन के गायब होने से पहले इस प्लेन को आखिरी बार अटलांटिक महासागर के ऊपर देखा गया था और आज तक इसकी कोई खबर नहीं है। फैक्ट नंबर 5, विश्व के 7 अजूबों में से एक, ताजमहल के चारों तरफ ये जो चार मीनारे हैं ये पूरी तरह सीधी नहीं हैं। ये चारों मीनारे हल्की हल्की सी बाहर की ओर झुकी हुई हैं। ऐसा इसलिए कि अगर भूकंप आ जाए या फिर ये मीनारे किसी कारणवश गिरने लगें तो ये बाहर की ओर ही गिरें ताकि ताजमहल की खूबसूरती को कोई दाग न लगे। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 4, आप एक बात कभी भी आजमा लेना, आप जिस इंसान के साथ अधिक समय बिताते हैं तो आप धीरे धीरे उस इंसान की आदतें अपनाने लगते हैं। फैक्ट नंबर 3, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, क्या आप लोग जानते हो कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। इसका निर्माण सैमसंग के द्वारा किया गया था जिसके आप लोग स्मार्टफोन भी यूज करते हो। फैक्ट नंबर 2, मॉडर्न टॉयलेट रेस्टोरेंट, इस रेस्टोरेंट में आपको खाने पीने को सब कुछ मिलेगा मगर मिलेगा उन बर्तनों में जिनका आकार टॉयलेट जैसा बनाया गया है। यहाँ पर आपको जो भी कुछ खाना परोसा जाएगा वो टॉयलेट जैसा ही दिखेगा, यहाँ तक कि आप जिस चेयर पर बैठकर खाना खाओगे वो भी टॉयलेट के आकार की ही होगी। मतलब यार, इस रेस्टोरेंट में कदम रखते ही आपको ये महसूस हो जाएगा कि आप टॉयलेट रूम या बाथरूम में आ गए हैं। इस रेस्टोरेंट के बारे में अब मैं आपको और क्या बताऊं? ये रेस्टोरेंट मिलेगा आपको ताइवान में। फैक्ट नंबर 1, रॉबर्ट ई कॉर्निश, जिसका ये मानना था कि अगर मरे हुए इंसान में फिर से रक्त का प्रवाह शुरू कर दिया जाए तो वो फिर से जिंदा हो सकता है और उसने ऐसा किया भी। इस इंसान ने ये एक्सपेरिमेंट मरे हुए इंसानों पर किया मगर सफलता नहीं मिली तो इसने अपना तरीका बदल दिया। मतलब इसने इंसानों की जगह जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और फिर जानते हो क्या हुआ, इसने मरे हुए 5 कुत्तों में से 2 कुत्तों को जिंदा कर दिया और इसने ये एक्सपेरिमेंट फिर से इंसानों पर करने की ठानी। थॉमस मैकमोनिगल, ये एक कैदी था जिसको कुछ ही दिनों बाद मृत्यु दंड दिया जाना था तो इसने कॉर्निश से संपर्क किया
कि मरने के बाद इसके शरीर को फिर से जिंदा कर देना। तो कॉर्निश ने इसके लिए कोर्ट में याचिका दायर की, जिसको कोर्ट ने ठुकरा दिया। जिसके बाद कॉर्निश को ऐसा झटका लगा कि उसने ये एक्सपेरिमेंट फिर कभी किसी पर नहीं किया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करो यार, ताकि इन्फॉर्मेशन हमारे और नए मेहमानों को भी मिल सके। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और इस घंटी को दबाना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।